अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज आपके लिए लेके आए हैं हम IGBT पे और ट्रैक पे वीडियो। ठीक है, IGBT क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस वक्त फिर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ ट्रैक और अच्छा, तो ये उनके सिंबल्स हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सिंबल से। जो होता है ट्रैक, उसका सैंपल इस तरह होता है। ठीक है ना, उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, 3। ठीक है ना, इसमें जो पिन नंबर 1 होता है ना, होता तो वो गेट है। फिर अगर हमने सैंपल में थोड़ा गलत पिन कॉन्फ़िगरेशन की है, तो इसलिए उसके लिए माजरत। इसके अंदर एक गेट होता है जिससे ये ऑन होता है। ठीक है ना, ये AC वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम 220 पे बात करें तो गलत नहीं होगा। जब 220 वोल्टेज को कंट्रोल करना हो, ठीक है, तो हम ट्रैक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए पीछे ऑप्टो कपलर वगैरह, प्रोटेक्शन वगैरह लगाई जाती है। और जब आगे इसको यूज़ करेंगे तो इसकी यूजेज और इसकी प्रोटेक्शन वगैरह मज़ीद डिटेल में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल आज इतना ही। ये इसका असेंबल होता है, इसको थ्योरी में थ्योरेटिकल इसको इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास IGBT है। पहले मेरे पास सैंपल गलत बन गया था, ये देखेंगे गलत है भाइयों। और ये हमारे पास जो सैंपल है IGBT का। अच्छा, IGBT बनता कैसे है, उसके अंदर एक एनथैलन MOSFET होता है, एक PNP ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है ना, उनकी कम्बिनेशन से जो डिवाइस वजूद में आती है वो कहलाती है IGBT। ठीक है ना, ये भी ऐसे मुख्तलिफ एप्लीकेशन में, स्विचिंग में और हाई करंट गेन में ना इस्तेमाल होता है। तो इसका भी इस्तेमाल आपके इन्वर्टर्स में, आपके अल्लाह भला करे UPS में, बैटरी चार्जर्स में भी इस्तेमाल होता है इसका। इसी तरह इनके मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसके अंदर हाई करंट इस्तेमाल ये गुजारा जाता है, और इसमें भी इतनी ही होता है, 3-4 एम्पीयर 5 एम्पीयर तक ये लोड उठा लेते हैं ट्रैक। ये DC में भी इस्तेमाल होता है, ज़रूरी नहीं कि AC में, कि आपके मनचाह मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना, तो बात थोड़ी सी मुकम्मल नहीं हुई थी ट्रांसिस्टर की वीडियो में। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि डायोड से चीज़ें बनती हैं। ठीक है, वो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही थी, हमने उसको वहाँ कट करके तो अपलोड कर दिया था। उसमें थोड़ा सा जो रह गया था ना इंट्रो, तो वो मैं आपको ना दे देता हूँ। हम डायोड पे थे। ठीक है, डायोड मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, ये डायोड होता है, ये इसका एनोड साइड, ये इसकी हो गया, इसी इसका हो गया कैथोड साइड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड इसकी। अब हमने कहा था कि डायोड मिलकर ट्रांजिस्टर बनते हैं, फिर ऐसे कम्बिनेशन बनता जाता है। और आपके सामने अभी हमने ये पीछे बनाया है एक एनचैनल MOSFET और PNP ट्रांजिस्टर मिला के एक IGBT बनाया। इसी तरह आज हम डायोड मिला के ट्रांजिस्टर बनाएंगे। ठीक है ना, वो क्योंकि है तो पिछला लेक्चर, तो उसमें हम इसे नहीं कर पाए, वीडियो लंबी हो रही थी, तो आज कवर कर देते हैं। आप कहते होंगे कि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये डायोड से ही मिलकर बनती हैं सब चीज़ें। अच्छा, अगर हमने बनाना हो NPN ट्रांजिस्टर, क्या NPN ट्रांजिस्टर, अब करते क्या हैं। अच्छा, पहले इसको तो आपको पता है ना, ये इस तरह होता है। ठीक है ना, ये डायोड है, ये है P, ये है N, ये P मटेरियल है, ये N मटेरियल है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ डायोड। ठीक है, ये एनोड, ये कैथोड। सो इसी तरह अब हम चलते हैं ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर का सिंबल भी आपको बता दिया था। ठीक है, ये है NPN
ठीक है। अब एनपीएन होता कैसे है, बनता कैसे डायोड से? ये हमारे पास डायोड है, ठीक है, ये भी हमारे पास डायोड है, ओके हो गया। ये जो इसकी साइड है ये है हमारे पास पी, ये हमारे पास एन, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये भी पी साइड है, फिर ये एन साइड, ठीक है। जब हम इसके पॉजिटिव को, जब हम डायोड वन के पॉजिटिव को डायोड टू के पॉजिटिव के साथ मिला देते हैं तो हमारे पास वजूद में आता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। अब वो कैसे, देखिए एन पी एन, इसके एन साइड जो भी है वो बाहर है, ठीक है, इसके भी एन साइड देखें बाहर आ रहे हैं, जो पी साइड सेंटर में है ये देखें ट्रांजिस्टर के भी सेंटर में है, ओके। अब होता क्या है, इसके जो हम मिलाते हैं ना टर्मिनल उसको दे देते हैं बेस का नाम, इसको हम दे देते हैं कलेक्टर का नाम, इसको हम दे देते हैं इमीटर का नाम, ठीक है ना। ये इस तरह से वजूद में आता है। अब हम बात करते हैं पीएनपी की, वो भी ऐसे सेम ही होता है, ठीक है ना। आपको डायोड की जो बेसिक है वो तो पता ही होगी। सो अब देखिए ये इसकी पी साइड डायोड की पॉजिटिव साइड, ये भी इसकी पॉजिटिव साइड, सेंटर में इसकी एन साइड, इसकी भी एन साइड है, इसकी भी एन साइड है, ठीक है। जब हम डी वन के डायोड वन की एन साइड डी डायोड टू की एन से मिला देते हैं तो फिर हमारे पास वजूद में आता है पी एन पी। वो कैसे, देखिए साइडों पे इसके है पी, ये भी पी है, ये भी पी है, सेंटर में एन है, इसका भी ऐसे ये भी पी है, ये भी पी है, इसके सेंटर में जो ये नज़र आ रही है ये है एन। अब ये हमारे पास एमीटर है, ये हमारे पास कलेक्टर है, ये हमारे पास बेस है, देखिए बेस सेंटर में है, इधर भी सेंटर में है, इधर कलेक्टर जो है वो भी साइड एक साइड पे है, इधर भी देखिए साइड पे है कलेक्टर, ठीक है, ये कलेक्टर सॉरी एमीटर इसके साइड पे है, ये देखिए एमीटर ये भी साइड पे है, और इसके अंदर भी वही फेनोमेना यूज हो रहा है, कलेक्टर बेस एमीटर, ठीक है। जब हम यहाँ से सप्लाई देते हैं तो यहाँ से क्रॉस करते हुए, लेकिन जब तक हम बेस ऑन नहीं करते इसकी तो ये ऑन नहीं होता, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो अब देखें जैसे हम इसकी बेस को नेगेटिव अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन मुहैया करेंगे, ये ऑन हो जाएगा, एमीटर पर दिए हुए वोल्टेज, मीटर पर दिए हुए वोल्टेज जो भी यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज होंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे हम बेस से नेगेटिव हटा लेते हैं तो होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि अंदर इसके कनेक्शन नहीं होती, सो जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई हो जाती है और हमें वोल्टेज या करंट यहाँ पे नहीं मिलते, सेम इसी तरह इसका है, ठीक है। पर आपके सामने अभी हमने पीछे बनाया था आईजीबीटी, वो इस तरह बनता है, ये भी डायोड मिलके और ट्रांस मिलके ट्रैक बनता है। जब हम मजीद इस पे काम करेंगे तो आपको ट्रैक के ना इंटरनल जो सर्किट डायग्राम होते हैं ना वो दिखाएंगे बनते कैसे आएगा, ठीक है ना। सो आपका वो लेक्चर भी पिछला भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। मैं आपको हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए, क्योंकि इससे आपका तो फ़ायदा होता ही है, जब आप शेयर करते हैं ना इससे दूसरों का भी बहुत फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैं आपको बार बार यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ना आप इसे शेयर जरूर किया करें, आपको भी फ़ायदा होता है कि आपके दोस्तों को अजीज अकारीब जो भी हैं उनको फ़ायदा हो, हर कोई इससे ना नॉलेज गेन कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपने और अपनों का और अपना खुद का ध्यान रखें, घर पर रहें, सेव रहें, खुदा हाफिज़।